रामनगर के सफाई कर्मचारियों की ओर से भी पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल की जा रही है, लेकिन आज रामनगर के व्यापार मंडल के प्रधान जोगेंद्र बनगाथिया इनके समर्थन में उतरे और उनका कहना था कि जो भी इनकी जायज़ डिमांडें होंगी वो सरकार को माननी चाहिए। मैं जोगिंदर कुमार बंगाथिया, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल रामनगर। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि जो हमारे डेली बेसिस हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनकी मांग जो है गवर्नमेंट ने माननी चाहिए, जल्दी से जल्दी माननी चाहिए, क्योंकि शहर की सफाई हो सके। और उनकी जो ये मांग है ये जायज़ मांग है, क्योंकि कई जो हैं 10-10, 15-15 साल से जो हैं वो डेली बेसिस में ही काम कर रहे हैं, और जबकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि 7 साल के बाद परमानेंट किया जाए, और उनको जल्दी से जल्दी परमानेंट करना चाहिए। हम भी उनके साथ समर्थन करते हैं, मगर साथ में मैं ये गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहता हूँ और ख़ासकर रामनगर प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि रामनगर में जितनी भी गंदगी फैली हुई है वो कम से कम अगर वो परमानेंट आदमी भी उनके साथ समर्थन कर रहे हैं तो कोई लेबर के चंद आदमी लगाए जाएं और वो शहर को सफाई रखें, क्योंकि कल जो है हमारा हिंदुओं का त्यौहार शिवरात्रि भी है और जगह जगह पर गंदगी पड़ी हुई है, और कुछ लेबर के ही आदमी लगा के उनको सफाई करनी चाहिए, ताकि मंदिरों में हर जगह जो है गंदगी जो दिखाई देते, जिससे जो शहर जो गंदा दिखाई देता है। इसलिए आप जो है जल्दी से जल्दी उनको साफ करवाएं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो यहाँ पर बैठी हुई है उनको जल्दी से जल्दी पूरी मार्केट का चक्कर लगाना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे जो गंद पड़ा है उनको लेबर लगा के साफ करवाना चाहिए। रामनगर से साहिल गुप्ता के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।